नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नॉट पे। स्वागत करता सभी भवन आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि दीपक की लोग किस दिशा में रखने से कौन सी सिद्धि मिलती है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दीपक की लो रखनी कैसे है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले निवेदन रहता है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। तीन और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरखनाथ, तंत्र मंत्र संबंधी साधना संबंधित कोई भी सामग्री लेनी है इसी चैनल के ऊपर आप या किसी भी चैनल के ऊपर माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। जिन लोगों के घर में कोई दुख तकलीफ है, किसी प्रकार का तंत्र दोष निवारण हो रखा है, मतलब दोष हो रखा है, या किसी की सवारी आती है बंधन में है, या गुरु ने आपकी सवारी बांध दी है, या आप सवारी लेने की इच्छुक हो, आप साधना सिद्धि करने चाहते हो, मेरे पास आप आ सकते हो। लेकिन जो उसका भोग प्रसाद है वो खर्चा होना वो आपका ही रहेगा, स्पष्टली है। बिना खर्चे बिना भोग प्रसाद के कोई भी चीज़ आपको नहीं प्राप्त होगी। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी बोलता मैं सन्नी का गुरु भाई हूँ, या सन्नी को मैं जानता हूँ, या मैं सन्नी का गुरु हूँ, तो किसी का विश्वास नहीं करना। मैं किसी को नहीं जानता इंटरनेट की दुनिया में, ना ही मेरा कोई गुरु भाई है, ना ही मेरा कोई गुरु है इंटरनेट पे। दूसरी तीसरी बात यह है कि जितनी भी मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है एजुकेशन पर्पस के लिए दी जाती है, आपने किसी जानकार के अंडर रह के एवं गुरु के सनिधि में करनी है। अगर आप ऐसे करते हो तो जो भी रिस्क है वो आपका ही रहेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग मैं सनी नाथ पे लेता हूँ। लाइव चैट में आप मेरे साथ जुड़ के मेरे साथ साधना संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो, कोई भी बातचीत आप कर सकते हो। सो अब मैं आता हूँ साधना सिद्धि की ओर। और आप मेरे से बोलते ना कि कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी प्रकार का आपको दुख तकलीफ है तो मैसेज कर सकते हो, लेकिन भोग प्रसाद जो लगना है वो लगना ही है। कोई भी साधना भी आप करना चाहते हो, मेरे मंत्र करना चाहते हो, तो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी भोग प्रसाद दे सकते हो, तो मैं देश करके आपको साधना दे सकता हूँ, आप वो साधना कर सकते हो। जो लोग दूर से है जो नहीं आ सकते कोरोना काल चल रहा अभी, और जो लोग बिल्कुल नज़दीक है वो मेरे से मिलके ही बोलो, और जो गुरु मंत्र है वो गुरु पूर्णिमा को ही दिया जाता है। सो अब आता हूँ टॉपिक के ऊपर कि दीपक के लोग किस दिशा में रखने से कौन से देवता की सिद्धि मिलती है, कौन कौन से वो बोलते देवता प्रसन्न होते। हिंदू धर्म में कितनी भी शुभ कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने आरती करनी हो सुबह शाम में या कुछ भी करनी है, लेकिन यहाँ पे दीपक जलाने की परंपरा या प्रथा है। एक हम मानते हैं कि दीपक अगर हम जलाते हैं तो जो वो उस ज्वाला में जो अग्नि माता प्रकट होती है वो ज्वाला रानी के रूप में ही, यानी ज्वाला माई ही सब देवी देवता को शुभ रूप लेके आती है उसी ज्वाला में। हम मानते हैं कि देवता साक्षात वहाँ पर बैठा हुआ है जितनी देर तक हमारी जोत चलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो दीपक की जो लो है वो बड़े अलग अलग प्रकार से लगाई जाती है घर में। जिस सारा जो अगर वास्तु दोष देखा जाए, घर के दोष देखा जाए, तो उस प्रकार से आपको जो चार दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तो उन दिशाओं में आपको वो बोलते हैं कि एक विधि बताई जाती है। अब बताई जाती है, अब सर्वप्रथम पहली दिशा आती है आपकी पूर्व दिशा की ओर। अगर आप पूर्व दिशा की ओर करके दीपक की लो लगाते हो तो सर्वप्रथम आपके ऊपर भोलेनाथ यानी देवताओं की 33 कोटि देवी देवता ही इसमें आते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा होती है। प्लस इसमें आपको आयु वृद्धि यानी कि आपकी आयु बढ़ती है एवं आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, अंधन की बरकत होती है अगर आप पूरब की ओर करते हो। और पूरब की ओर रख के आप करते हो तो वहाँ से आपको शक्तिपात एवं कुंडलिनी शक्ति एवं विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती है। अब बात आती है दूसरी, पूरब के बाद सीधी डायरेक्ट पश्चिम दिशा की ओर। अगर हम पश्चिम दिशा की ओर बोलते हैं कि अपना जोत लगाते हैं, दीपक को लगाते हैं हम पश्चिम, तो इसमें क्या होता है, तो देखो अगर पश्चिम दिशा की ओर आप जोत लगाते हो तो इससे आपका दुख बढ़ता है। इसमें क्या कि पश्चिम दिशा का जो उपयोग है वो तांत्रिक सिद्धियों के लिए करा जाता है, जिसमें भूत प्रेत जिन जलाद हमजाद जक्षणियाँ परियाँ और उसके अलावा वो कलवे जो भी उल्टी पुल्टी साधना जिनका सारा लिंक संसारिक जीवन से नहीं है, जिसमें शमशान की सिद्धियाँ इंक्लूडेड है या हम बोलते हैं चुगान की सिद्धियाँ जिनमें इंक्लूडेड है, इसमें जो दीपक है वो रात्रि के 12 बजे के बाद लगाया जाता है। इसमें आपको दुख मिलता है, आपके घर में संकट एवं क्लेश आते हैं, क्योंकि साधना का नियम पता नहीं होता आप लोगों को। अगर आप करते भी हैं तो मेरे हिसाब से पश्चिम की ओर मुख करके आपको दीपक नहीं लगाना चाहिए, उससे आपके घर की बरकत जाती है, सुख शांति समृद्धि जाती है, आपके घर के देवता आपके साथ बिगड़ जाते हैं। अब बात आती है उत्तर दिशा की ओर। अगर उत्तर दिशा की ओर आप उत्तर दिशा की ओर आप दीपक की लो लगाते हो, उस तरफ लगाते हो, तो आपके घर में सबसे बड़ी अन्न और धन सबसे पहले आता है इसमें। दूसरे में इसमें लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, प्लस आपके पितर भी इसमें जो रुष्ट पितर है वो पितर मानते हैं। इसमें आपको विभिन्न प्रकार की सिद्धियां एवं आपके शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है और आपके शरीर में जो भी विषय विकार वह दूर होते हैं, और थोड़े से आपको भोलेनाथ की अगर आप
उत्तर दिशा की ओर करके भोलेनाथ एवं माँ पार्वती का आप पूजा करते हो या निवारण मंत्र का आप हल्का सा जाप करते हो यानी एक माला जप करते हो 10-15 मिनट देते हो तो आपकी निजी जीवन जो है वो सहायी बन जाता है, आपके जो बोलते हैं जीवन से दुख निकल के संकट हार जाते हैं और सारे ही आपके वो बोलते हैं ना कि सुख ही सुख आ जाता है। अब बात आती है दक्षिण दिशा, ये दुनिया की सबसे डेंजर दिशा है। इस दिशा में अगर आप दीपक लगाते हो तो प्रेत तो घर में घुसेंगे, इसमें हानि एवं लॉस भी आपको 100% ही होगा और इसमें आपको विभिन्न प्रकार के प्रेत दोष निवारण एवं घर में सुख शांति समृद्धि सब खत्म हो जाएगा। सो बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है, होपफुली मेरी तरह दी गई जानकारी बिल्कुल स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। तंत्र माता से निशाना संबंधित कोई भी सिस्टम सामग्री लेनी किसी भी चैनल के ऊपर आप जाके माय प्रोडक्ट प्ले लिस्ट देख सकते हो और कोई भी कार्य करवाना तो पेड सर्विस है, जो खर्चा बहुत प्रसाद आपका ही रहता है। सो आदेश जय गुरुगोरखनाथ आलखनाथ।